तो कैसे हैं आप लोग आज बेसिकली अपन ऐसे 800 की सारी सीरीज के क्वेश्चंस कर लेंगे आईसी के सारे एंड क्वेश्चन अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हो ऑल राइट सबसे पहले अपन आते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन नंबर वन पे तो वो क्या दे रखा है सी ए ललिता कंपनी के ऑडिटर है अच्छा सी इज ऑल्सो ऑफर्ड प्रोफेशनल वर्क ऑफ ऑडिट ऑफ एफ एस प्रिपेयर स्पेसिफिली फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोन अग्रीमेंट फॉर द सेम पीरियड तो हमें जो है एक एफ एस को ऑडिट करना है जो किसके बेसिस पे बने हुए हैं फॉर मीटिंग द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक अग्रीमेंट ठीक है अच्छा उसने क्या करा उसने बेसिकली वर्क को एक्सेप्ट करना चाहती है वो बेसिकली एंड एज मेड अपर माइंड टू दिस दिसक इन अदर मैटर पैराग्राफ इन रिपोर्ट टू बी इ्यूड बायर फॉर दिस स्पेसिफिक एगेजमेंट मतलब बेसिकली जो सेकंड एफ को ऑडिट करना चाहिए ना वो तो अदर मैटर पैराग्राफ में अदर मैटर पैराग्राफ में क्या डिस्कलोज करना चाहिए कि भाई वो कंपनी के ऑडिटर है एंड उसको जो है अपॉइंट करा गया फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिटिंग द एफ ए प्रपेर स्पेसिकली फॉर मेटिंग द रिकॉर्य लून अग्रीमेंट अच्छा ये बोला है कि भाई क्या इसके अप्रोच प्रॉपर है हम कहेंगे बिल्कुल प्रॉपर है देखो इन द गिवन सिचुएशन ललिता जो है एकदम प्रॉपर है कोई दिक्कत नहीं ललिता ने जो काम करा है एकदम सही है दर इज नो बार अपॉन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट इवन दो चीज ऑफ द कंपनी वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकती है आगे देखो क्या है बिसाइड्स बिस इज इंटेंडेड टू दिस फैक्ट इन द अदर मैटर पैराग्राफ टू बी इशूड बाई हर हर फॉर द स्पेसिफिक इंगेजमेंट तो अगर मैं अदर मैटर पैराग्राफ में कुछ चीजें डिस्कलोज करना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ कोई दिक्कत ही नहीं है तो आपने अदर मैटर पैराग्राफ ऐसे सांसों की सीरीज में पढ़ रखा होगा तो अदर मैटर पैराग्राफ में क्या होता है बेसिकली अदर मैटर पैराग्राफ में होता यह है कि भाई आप जो है यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हो कुछ ऐसे मैटर्स पे जो एफएस से बेसिकली रिलेटेड नहीं है ठीक है तो मतलब ये जो एफएस के अंदर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंस रखते हैं किसके लिए यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो एक होता है ई ओ एम पैराग्राफ और एक होता है क्या अदर मैटर पैराग्राफ एम पैराग्राफ में क्या होता है अपन कुछ ऐसी चीज को डिस्क्लोज करना चाहते हैं जो एफएस के अंदर बैलेंस शीट पी एन एल अकाउंट और कैश फ्लो के अंदर क्या है प्रेजेंटेड है लेकिन अदर मैटर पैराग्राफ में अपन क्या करते हैं कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो एफ के अंदर लिखी हुई नहीं है लेकिन यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है आगे देखो क्या रखा है सी लक्ष्मी हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द एफ एस एक्स लिमिटेड प्रिपेड इन अकॉर्डिंग विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ अ अंट्रेक्ट विद वाई लिमिटेड तो हमने क्या करा है एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाई है अच्छा किस पे बनाइए फॉर द एफ एस ऑफ एक्स लिमिटेड जो बने हुए हैं इन अकॉर्डिंग विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ अ अंट्रैक्ट अच्छा इसमें क्या है शी एज ड्राफ्टेड एंड अन ओपिनियन टू बी गिवन इन द ऑडिट रिपोर्ट हम जो है क्या करना चाहते हैं अन ओपिनियन देना चाहते हैं

तो रिपोर्ट जो है उसकी मिस उस नहीं हो रही है डाफ्टर तो मुझे समझ में आता है, आपको जो है क्या करना पड़ेगा इट अप्रोपियट टू इंडिकेट दर रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोली फॉर स्पेसिफिक यूजर्स क्या बताए कि कि ये जो दूसरी ऑडिट रिपोर्ट है ये सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए पब्लिक के लिए नहीं है डिपेंडिंग अपॉन द लॉ रेगुलेशन दिस में रिपोर्ट इन दिसकेंस

एफ को किस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बनाया है देखो एफ एस आर प्रिपेयर टू असिस्ट द कंपनी टू कम्प्लाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है एंड इज नॉट सुटेबल फॉर अनदर पर्पज तो जो बेसिकली एफ बने हुए हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बने हुए हैं किसी और पर्पज के लिए काम नहीं आएंगे अवर रिपोर्ट अवर रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोली फॉर एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एंड शुड नॉट बी शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू और यूज बाय पार्टीज अदर देन एक्स एंड वाई लिमिटेड ठीक है तो हम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं हम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि भाई देखो

अच्छा फिर आगे देखो क्या, देखो, क्या देखा ही इज ऑफर्ड द ऑडिट ऑफ ट्रेड डिसब्स मतलब बेसिकली हमें क्या दिया जा रहा है हमें ट्रेड डिसेबल्स के भी ऑडिट करने के लिए दी जा रही है तो इसका मतलब क्या है ऐसे आठ सौ पांच लग जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ स्पेसिफिक एलिमेंट के ऑडिट कर रहा हूँ अच्छा ये पूछ रहा है कि क्या हम एक्सेप्ट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं डिस्कस ब्रीफ आउटलाइन ऑफिस ऑडिट अप्रोच तो आज देखो क्या देखा सिंगल एफेस और स्पेसिफिक एलिमेंट या अकाउंट ऑफ आइटम ऑफ एफेस मे बी बीपेयर इन अकाउंट जनल या फिर स्पेशलवर्क तो ये कह रहे हैं कि भाई सिंगल एफएस से बोले sheet, या, या element, या element, तो बैलेंस अकाउंट फिर स्पेसिफिक एलिमेंट जैसे अकाउंट या फिर स्पेशल जनरल जैसे अपन नॉर्मली बनाते हैं जहां पर ऐसे आठ सौ जाता है तो देखो क्या दे रखा है कि अगर ऐसे आठ सौ लग रहा है अगर ऐसे आठ सौ लग रहा है तो बेसिकली क्या हुआ सॉरी अगर फ्रेमवर्क से आपने बनाया है तो क्या लग जाएगा ऐसे आठ सौ लग जाएगा इन द एंटिटी आर अकॉर्डिंग विद

तो हमने कहा कि भाई आप ऑडिटर हो आप क्या करोगे आठ को फॉलो करोगे और आठ को फॉलो करोगे आठ को क्यों फॉलो करोगे क्योंकि एफ बने हुए हैं स्पेशल के बेसिस पे और आठ को क्यों फॉलो करेंगे क्योंकि हमें जो है ट्रेड के लिए ऑडिट के लिए अपॉइंट करा गया है सीए जी ऑफर द अपॉइंटमेंट फॉर ऑडिट ऑफ टेबल्स ऑफ एस अगेन वही क्या होगा जिग्नेशिकलीफ एस है टोटल वो किसने ऑडिट करें जिग्नेश ने अच्छा ट्रेड टेबल को कौन ऑडिट करने के लिए दिया गया है सीएजी अब ये कह रहा है कि वी डिस्कस वाई इट वुड बी प्रैक्टिकली डिफिकल्ट फॉर सीएजी टू परफॉर्म द ऑडिट अब मुझे एक चीज़ बताओ कंपनी के एफएस को ऑडिट करा जिग्नेश ने मतलब कंपनी के बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी नॉलेज किसको होगी जिग्नेश को होगी अच्छा कंपनी की जो है बेसिकली जो बिजनेस एनवायरमेंट है कंपनी के जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है उसकी नॉलेज किसको होगी जिग्नेश को होगी अच्छा अगर आपको जो है ट्रेड पेल को ऑडिट करवाना था तो जिग्जेस को अपॉइंट करना चाहिए था आपने अपॉइंट कर दिया किसी दूसरे ऑडिटर को अब मुझे एक चीज़ बताओ क्या ये दूसरा ऑडिटर ढंग से ऑडिट कर पाएगा क्या ट्रेड पेवल की नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पूरी हॉलिस्टिकली नॉलेज होगी नहीं कंपनी की तो वही बातें हमें तो डिस्कस करनी है देखो कम्प्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एस ए रेलिवेंट टू द ऑडिट ऑफ सिंगल एफ एस बोले तो बैलेंस शीट या फिर पी एनल अकाउंट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ एफ एस मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल प्रैक्टिकेबल नहीं होगा मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल वन द ऑडिटर नॉट ऑल्सो इंगेज टू ऑडिट द एंट्री ऑफ से मतलब अगर आपने जो है उसको कंप्लीट सेट ऑफ एफर्स के लिए कम्प्लीट की ऑडिट के लिए इंगेज नहीं करा है तो ट्रेड पेबल को भी ऑडिट करना थोड़ा मुश्किल होगा इन सच केसेस इन सच केसिस ऑडिटर ऑफन डज नॉट है दम अंडस्टैंडिंग ऑफ द एन टी टी एंडमेंट उसका नॉलेज नहीं होगी एन टनल कंट्रोल की नॉलेज नहीं होगी ठीक है अकॉर्डिंगली द ऑटर मे नीट फर्दर एवडेंस टू कॉर्बोटेट ऑडिट एवडेंस एक्वायर फॉर्म द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इसलिए उस ऑडिट को कना पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी इधर क्या रखा है इन द केस ऑफ ऑडिटर स्पेसफिक एलिमेंट ऑफ एफ एस सर्टन द ऑडिट वर्क दर्क मे बी बेड टू द एलिमेंट बिंग ऑडिटेड अगर ऑडिटर द सिंगल सिंगल एफ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ इन अकॉर्डिंग मे एसॉर्ड में प्रैक्टिवल ऑडर में डिसकस टाइप ऑफ एंगेजमेंट माइट भी माइट बी मोर प्रैक्टल तो हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप ट्रेड टेबल को ऑडिट करने के लिए अपॉइंट करे गए हो आपको जो है कंपनी की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कंपनी के अंडर कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्यों क्यों नहीं है क्योंकि आपने पूरी कंपनी को ऑडिट नहीं करी है तो ट्रेड तो टेबल को ऑडिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा टेट को ऑडिट करते समय आपको जो है फर्दर एविडेंस की जरूरत पड़ेगी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बेसिकली डेट लेवल के ऑडिट करते समय आपको इनवाइस तो मिल गए ठीक है लेकिन invoices के, invoices के साथ साथ आपको जो है बहुत सारे फर्दर एविडेंस चाहिए ये देखने के लिए कि भाई ये इन्वॉसिस मैनिपुलेटेड तो नहीं है इन्वॉसिस जो है फर्जी तो नहीं है अच्छा ये सब कैसे चेक कर पाओगे जब आपको इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज होगी और अपन को तो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करा ही नहीं गया था अपन को इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज नहीं होगी तो सब वही रखा है कि भाई कुछ कुछ ऐसे ये कहते हैं कुछ कुछ ऐसे ये कहते हैं कि भाई कभी कभी ऑडिट करने के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ जाएगा सो डिस्प्रपोशन वर्क का मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपनी के पूरे एफ को ऑडिट करने के लिए अपॉइंट करा गया हूँ और मैं ट्रेड पेपल को ऑडिट करना चाह रहा हूँ तो मैं हो सकता है उसका इंटरल कंट्रोल भी चेक कर लूँ ठीक है तो इन लोगों ने कहा कि भी कुछ ऐसे ये कहते हैं कि भाई आप डिस्प्रपोशेंट वर्क भी करोगे अगर क्या कर रहे हो आप कुछ ऑडिट कर रहे हो लेकिन अगर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल के लिए अपॉइंट करा गया है तो आप जो है बाकी सारी चीजें टेस्ट कर ही नहीं पाओगे तो मतलब मे नॉट भी प्रैक्टिकल

ऑडर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से कि भाई चेंज करो इंगेजमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आओ ताकि ताकि हम क्या कर सके टेट टेबल पे अच्छी तरह ओपिनियन दे सके है, आगे बढ़े फाइव और सिक्स पे आ जाते हैं फाइव एंड सिक्स फाइव एंड सिक्स सी ए मधुर इज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हम क्या है कंपनी का ऑडिटर है एंड इसने क्या करा है ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिए पंद्रह जून ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर ठीक है तो मैंने क्या करा है? एक ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी पंद्रह जून को अच्छा देखो क्या रखा है ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफ एस ड्राइव फ्राम सच इज डेटेड पंद्रह जुलाई ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर ओके तो समरी एफ एस की जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट है वो क्या है पंद्रह जुलाई है मतलब एक महीने बाद की है अभी कह रहा है डिस्कस वेदर देर एग्जिस्ट एनी एडिशन रिपोर्टिंग रिक्वयरमेंट या फिस्पॉसबॉर सिचुएन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडि रिपोर्ट ऑन समरी एफ एस तो ये बोल रहा है कि भाई क्या क्या आपकी कुछ और जिम्मेदारियां हैं क्या आ जाओ देखो समरी एफेस की ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या है पंद्रह जुलाई बाकी नॉर्मली जो आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू करी उसकी डेट क्या है पंद्रह जून इन दर्क सिचुएशन ऑडिटा का रिपोर्ट ऑन समरी शुड स्टेट द समरी एंड एफेसम ऑडिड एफेस डो नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड बिटवीन द डेट दफ एफेस क्या बोल रहा हूँ मैं द दिटा का रिपोर्ट ऑन समरी शुड स्टेट समरीट दट दमरी एफेस एंड द ऑडिड एफेस डो नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ इवेंट्स अकर्ड टू द डेट ऑफ दफटा का रिपोर्ट ऑन द ऑडिट एफेस क्या मतलब हम ये है हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई पंद्रह जून को हमने क्या करा है ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है अच्छा किस पे इशू करिए एफ एस पे इशू करिए इसी एफ एस से ड्राइव हुए थे समरी एफ एस उसके हमने रिपोर्ट इशू कर दी है पंद्रह जुलाई को तो जुलाई हम बेसिकली इस रिपोर्ट में ये बताना चाह रहे हैं हम इस रिपोर्ट में ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो एफ एस है ये जो एफ एस है इस एफ एस के बेसिस पे बने हैं इस, इस बीच इस बीच ये जो पीरियड निकला है एक महीना इस एक महीने में जो भी इवेंट्स हुए हैं जो भी इफेक्ट होने चाहिए थे किस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमने कंसिडर नहीं करें क्यों नहीं करें क्योंकि हमने समरी एफ एस बनाए हैं एफ एस के बेसिस पे

ये एफएस कब तक के हैं इकतीस मार्च तक के हैं तो इधर से लेकर इधर तक के पीरियड का क्या हुआ तो जब आप क्या करते हो नॉर्मल ऑडिट करते हो तो आप क्या करते हो बेसिकली इधर तक के सारे इवेंट कंसडर करते ही हो ठीक है तो जो अपना ऐसे पांच होता है सबसे कंट इवेंट्स वाला सबसे कई इवेंट्स वाला तो यही तो कहता है ना सबसे कैंड इवेंट्स वाला ये कहता है कि बैलेंस डेट की बात कुछ भी इवेंट्स अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट में या फिर एफ में इमेड डालने चाहिए तो उसका आपने इफेक्ट दे दिया है क्या तो हम कह रहे हैं कि भाई आपके एफ में आपके एफ में जो है इधर से लेके ऑडिट रिपोर्ट की डेट से लेके समरी एफएस की ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बीच में जो समय निकला है उसका हम इम्पैक्ट नहीं कंसिडर कर रहे हैं उसका हमने इफेक्ट नहीं दिया है ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ओपिनियन अच्छा एफ एस में क्या है एफ एस में क्वालिफाइड ओपिनियन एफ एस में क्वालिफाइड ओपिनियन है अच्छा मैं समरी एफ एस में समरी एफ एस में अनमोडिफाइड ओपिनियन देना चाहता हूँ क्या दे सकता हूँ अगर ऑडिटर को लगता है कि समरी एफ एस क्या है कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल एस अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई जो समरी एफएस है वो एफएस हु, हु, के बेसिस पे बने हैं ठीक है ठीके? मतलब समरी एफएस में कोई भी गड़बड़े नहीं है तो ये देखो अगर ऑडिटर को लगता है कि समरी एफ आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट विथ और आर फेयर समरी ऑफ द ऑडिड वो क्या कर सकता है अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू कर सकता है सिंपल सी बात है तो भले ही देखो एफएस में क्या है एफएस में अनमोडिफाइड ओपिनियन है मैंने एफ एस के बेसिस एक समरी बनाई तो क्या मैं इसमें भी अनमोडिफाइड ओपिन डाल दूं क्या नहीं डालूंगा क्यों नहीं डालूंगा क्योंकि मैं तो बताऊंगा कि भाई देखो तो ये जो समरी एफ एफ एस की समरी है और इसमें मैंने सब कुछ सारी समरी इक्लूड कर रखी है तो इसको अनमोडफ इसकी अनमोडिफाइड ओपिन डालने का मतलब क्या है और मैं इसको अनमोडीफाइड ओपिन डाल भी नहीं सकता क्यों नहीं डाल सकता क्योंकि समरी एफ एस ढंग से बने हुए हैं तो वही कह रहा है कि अगर समरी एफ एस ढंग से बने हुए हैं एन आर फेर समरी ऑफिड एफ एस तो आप क्या कर सकते हो अनमोडीफाइड ओपिनियन इशू कर सकते हो किस पे समरी एफ एस पे लेकिन देखो <coughs> ऑडिड एफर्स क्वालड ओपिनियन कहना चाहिए कि अगर एफ एस में क्या है क्वालिफ ओपिनियन है आपको समरी एफ एस में कुछ चीजें बतानी पड़ेगी आप समरी एफ में क्या बताओ आप समरी एफ एस ये बताओगे कि रिपोर्ट ऑन ऑडिटेस क्वालिफाइड ओपिनियन समरी एफ एस की समरी एफ एस की ऑडिट रिपोर्ट में यह बताओगे कि देने का बेसिस था डिस्क्राइब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन ऑडिट एफेस एंडिफाइड ओपिनियर ऑनडिफेसिकली हमने कहा कि आप समरी एफएस पे क्या कर सकते हो, हो. अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या है जो एफएस है ठीक है आपका जो नॉर्मल है, है, है तो आपको समरी एफएस की ऑडिट रिपोर्ट में ये बताना पड़ेगा कि भाई जो हमारे एफएस है थे ना उसमें दी गई थी और उसका बेसिस ये था तो मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन देने का बेसिस आगे 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 के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं <laughs> तो क्या बोल रहे हैं सी ए पी इज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी रिस्पांसिबल फॉर ऑडिटिंग कंप्लीट सेट ऑफ कम्प्लीट अच्छा हम क्या है ऑडिटर है कंपनी के ही टू एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं हम बेसिकली अपने जो कंप्लीट सेट ऑफ एफेस है उस पर एडवर्स ओपिनियन देना चाहते हैं ही इज ऑल्सो ऑडिटिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी फॉर द सेम पीरियड द सेम एंगेजमेंट हम जो है बेसिकली ट्रेड ट्रेडिवल पे हम जो है बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या करना चाहते हैं Uh, हम ऑडिट करना चाह रहे हैं बेसिकली हम उसकी ऑडिट करना चाह रहे हैं और हम ट्रेड डिसवल के ऑडिट पर अनमोडिफाइड ओपिनियन देना चाह रहे हैं तो अब ये दे सकते हैं क्या अपन तो आपने पढ़ रखा होगा चलो आपको पता पढ़ा, पढ़ाई देता हूँ वैसे मेरे मैं, को मैंने एग्जाम दी थी करीबन तीन चार महीने पहले लेकिन मुझे अभी भी इसका आंसर याद है लेकिन आपको आंसर याद, याद ही लाते हैं वो ये है ना कि नॉट प्रोइटेड बाय लॉ आपने ऑडिट रिपोर्ट साथ में पब्लिश नहीं करी है एंड नंबर थ्री मेजर पोर्शन नहीं है तो वही चीज़ें होगी इधर आ जाओ देखते हैं अपन याद रखा है अपन को पैरा थ्री में जाना पड़ेगा चलते हैं वही थ्री में कि मनोकामना पूरी करते हैं आ जाओ वही थ्री पॉइंट सिक्स का है 3 आ गया 3.6 क्या बात है इसमें इन लोगों ने आंसर दे रखा होगा कहां गया ये रहा देखो कैसे कटे दिन रात और उसको देखो क्या दिख रहा है अगर ऑडिटर को लगता है अगर ऑडिटर कंक्लूड्स दैट इट इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन एंटिटी का कंप्लीट सेट ऑफ एफएस बट बट वो स्पेसिफिक एलिमेंट में क्या करना चाहता है अनमोडिफाइड ओपिनियन देना चाहता है तो so, बिल्कुल दे सकता है क्या कंडीशन है कि भाई ऑडिटर इज नॉट रेगुलेशन ठीक है ऑडिटर इज टोइट बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो अच्छा हमने जो अन मॉडिडाइड ओपिनियन एक्सप्रेस सेपरेट ऑडि रिपोर्ट में देखो देपिनियन एक्सप्रेस इनऑड रिपोर्ट दट इ नॉ पब्लिड टूगेदर विद ऑड रिपोर्ट कंटिंग एडवर्सियन मतलब एडवर्स देते हैं और दूसरी ऑडिट रिपोर्ट में क्या दे रहा हूँ अनफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ मतलब अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट दूंगा एंड नंबर थ्री ये कहना चाहिए कि स्पेसिक एलमेंट है डिस नॉ कॉन्स्टिट्यूट अजर पोर्स ऑफ कंटीटी काट ऑफ एफ तो अपने केस में क्या था ट्रे डिसबल था तो ट्रे डिसल क्या मेरे बैलेंस शीट का सब्सटेंशियल पोर्शन है क्या तो हमें बस इतना सा चेक करना है कि भाई सब्सटेंशियल पोर्शन नहीं होना चाहिए तो स्पेसिफिक एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट डज नॉट अ मेजर पोर्शन ऑफ एंटिटी का कंप्लीट सेट ऑफ इजी है देखो तो आगे क्या देखा है लिस्ट आउट सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर का डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट ऑफ समरी एफ तो आठ लग जाएगा ऐसे आठ ठीक है तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ओइट का डिटरमिनेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया देखते हैं आ जाओ इसका आंसर क्या है इसका आंसर अपने को मिलेगा पैरा 4.2 में आ जाओ पैरा 4.2 ले लेते हैं अपन देखो ये रहा फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओइट का डिटरमिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया तो अगर आपने ऐसे 200 पढ़ फैस, फैस रखा होगा ना सेम चीज इधर है नेचर ऑफ एफएस पर्पस ऑफ एफएस देखो क्या लिखा है कि भाई एंटिटी का नेचर क्या, क्या, क्या है क्या है समरी एफ का इंटरनेट यूजर की इफॉर्मेशन नीड्स क्या है क्या अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन समरी एफ एस नॉट मिस इन द इजी है इतना सब ना जाएगा चार पॉइंट लिख दोगे पूरे चार नंबर मिल जाएंगे तो समरी एफ एस समरी एफ एस क्या आप करना करना क्या करना चाह रहे हो ऑडिट करना चाह रहे हो समरी एफर्स मैनेजमेंट बनाएगा समरी एफर्स मैनेजमेंट क्या करेगा बनाएगा अब बेसिकली मुझे ये चेक करना है मुझे जो है ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले ये चेक करना है कि जो बेसिकली मैनेजमेंट ने ये जो समरी एफ एस बनाया है उसका अप्लाइड क्राइटेरिया उसका अप्लाई अप्लाइड क्राइटेरिया सही है कि नहीं है तो उसको मैं कैसे डिटेमेंड करूंगा ये देखूंगा कि भाई एंटिटी का नेचर क्या था summary का purpose क्या था जिसके लिए समरी एफेस बनाए जा रहे हैं अच्छा किस के लिए बनाए जा रहे हैं उनकी इनफॉर्मेशन नीड्स क्या है क्या अपलाइडेरिया अपलाइड क्राइटे तो नहीं है ना तो वेदर अपलाइड क्राइटेरिया रिजल्टिंग इन सर्कमस तो मुझे बस ये चेक करना है कि अपलाइड क्राइटेरिया वजह से मेरे समरी एफेस मिसडिंग नहीं होने चाहिए so, थर्ड आंसर क्या दे रखा है देखो देख

ठीक है सच बॉन्ड लोन अग्रीमेंट अच्छा आपको पता होगा ना कि भाई आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो ठीक है बैंक के पास क्या लेने जाते हो लोन लेने जाते हो बैंक आपको बोलती है कि भाई चल बुटक हम तुझे तो लोन क्यों देंगे तो हमारा पैसा लेके भाग गया तो बैंक कहती है कि भाई आप हमें जो है फोरकास्ट लगा के दो आप हमें ये बना के दो कि भाई अगले तीन चार साल में आपका जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना होगा ठीक है आपका जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना होगा इसलिए आपने क्या करा एक अलग से बैलेंस बनाई पीएल बनाया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया तो ये जो बैलेंस शीट बनाई पीएल बनाया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया कैसे बनाया

Cash and basis of for cash दो अकाउंटिंग होती ना, और cash basis. तो से, से है और कैश बेसिस माल खरीदना है कैटर ने बोला चल बुटक तो हमें अपना माल की बचे तू तो पैसे लेके बिजनेस डूब गया तो कैटर तो, तो बोलता है कि हमें क्या कर तू हमें जो है कैशलो फोरकास्ट बनाकर दे मतलब आप क्या करोगे बैलेंस अकाउंट और कैशलो स्टेटमेंट कैश बेसिस से बना के कैटर को दोगे और ये दिखाओ कि देख प्रभु हम तीन चार साल तक अच्छा पैसा कमाएंगे तुझे डरने की जरूरत नहीं है तू अच्छे से हमें माल जो है सप्लाई कर दे इजी अब देखो आगे क्या दे रखा है सीए द कंपनी कोई दिक्कत नहीं है इसने क्या करा है एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस है ऑन कराएड एफ एस वॉट एडिशनल पॉइंट कीप इन माइंड वेल एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑफ द समरी एफ एस डिराइव फ्रॉम सच ऑडिट एड्रेस अच्छा ये वही चीज होगी मेरे अकॉर्डिंग कि भाई अगर कंप्लीट सेट ऑफ कम्प्लीट से आपने क्या करा है एडवर्स ओपिनियन दिया है तो जब आप क्या करो समरी एफ एस पे समरी एफ एस पे क्या देना चाह रहे हो ओपिनियन देना चाह रहे हो तो कौन कौन से पॉइंट्स को कंसडर करोगे तो जो अपने टी वाई क्यू में टी वाई यू में पॉइंट देखा था ना मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर आना चाहिए अब देख रहे थे इन लोगों ने क्या दे रखा है मेरा 4.6 चलो 4.6 पे चलते हैं देखो वही आ गई बात इधर इधर ऑडिटर का रिपोर्ट ऑन ऑडिट एफएस कंटेंस एडवर्स ओपिनियन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन

अभी कहना चाह रहा है वॉट एडिशनल पॉइंट ही शुड कीप इन माइंड वाइल एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन द समरी अब पूरा पढ़ लेते हैं अपन पूरा बोल देते हैं तो लोगों ने पूरा पैराग्राफ क्या दे रखा है देखो क्या दे रखा है वन द ऑडिटर का रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफ एस कंटेंस क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर EOM या फिर अदर मेटर पैराग्राफ ठीक है लेकिन अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई समरी एफ आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट विद अफेयर समरी वो क्या करेगा अनमोडाइड ओपिनियन दे देगा वो क्या करेगा अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देगा लेकिन अब वो क्या करना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो अपने जो अपने एफ एस है उसमें क्या दिया गया है क्वालिफाइड ओपिनियन दिया गया है फिर हम क्या करेंगे बेसिस बताएंगे हम क्या करेंगे बेसिस बताएंगे और फिर बताएंगे कि भाई इसका क्या इफेक्ट आ रहा है समरी एफएस पे ठीक है तो ये जो आपने पढ़ा था टी वाई यू में वही चीज दे रखी है नीचे क्या रखा है बंद ऑटा का रिपोर्ट ऑन ऑडिट एफएस एस एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सो ऑडिटा का रिपोर्ट ऑन समरी एफएस शैल शेल एडिशनल अच्छा ट्विस्ट देखना इधर ट्विस्ट ये है कि भाई यहाँ पर क्या दिया जा रहा था यहाँ पर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जा रहा था तो तीन चीजें होती है ना क्वालिफाइड एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो यहाँ पर तो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जा रहा था यहाँ पर क्या दिया जा रहा था क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, दिया जा रहा था तो मैंने क्या बताया समरी एफ एस में ये बताया कि भाई जो मेरे ऑडिट एफएस है उस उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जा रहा है या फिर यूएम पैराग्राफ या अदर मेटर पैराग्राफ एडिड है अच्छा और उसका बेसिस ये है तो आपको एक चीज पता होगी जब आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब यही है कि भाई आपके सब कुछ खराब है राइट तो इसमें क्या होता है मटीरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है क्वालिफाइड ओपिनियन कब दिया जाता है मटीरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है नीचे देखो क्या दे रखा है नीचे देखो क्या दे रखा है कि भाई यहाँ पर पर ऑडिट एफएस पे एडवर्स ओपिनियन डिस्क्लेमर डिस्क्रमर ओपिनियन दिया गया है ना पर आपने क्या दिया है एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ओपन नहीं दिया है, तो अगेन आप क्या करोगे रिपोर्ट समरी एफएस की रिपोर्ट में बताओगे कि जो हमारे ओरिजिनल एफएस है उसमें एडवर्स ओपिनियन डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया गया है फिर हम बेसिस बताएंगे और फिर हम एक और चीज बताएंगे हम एक और चीज बताएंगे कि भाई हम समरी एफएस पे समरी एफएस पे ओपिनियन नहीं सकते. तो दे सकते इट इज इन अप्रोप्रियट इट इज इन अप्रोपियट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द समरी एफएस तो क्या रखा है स्टेट दैट एज अ रिजल्ट ऑफ एडवर्स ओपिनियन डिस्क्लेमर ओपिनियन इट इज इन ऑन द समरी एफएस तो मतलब जहां पर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जा रहा है

ओके okay, कोई गड़बड़ नहीं कर रखिए क्यों नहीं कर रखिए क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था क्वालिफाइड ओपिनियन था इस क्वेश्चन में क्वालिफाइड ओपिनियन था तो क्वालिफाइड ओपिनियन में अपन क्या करेंगे बेसिकली बताएंगे कि भाई क्वालिफाइड ओपिनियन दिया गया है इसका बेसिस ये है और हम क्या करेंगे इफेक्ट क्या है समीफेस वो बता देंगे मैंने आपको बता दिया अभी कि भाई अगर एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्रम ओपिनियन दिया गया है तो आप क्या करोगे बताओगे कि भाई एडवर्स ओपिनियन दिया गया है हम बेसिस बताएंगे और तीसरा बताएंगे इट इज इन अप्रोप्रियट इट इज क्या है इन अप्रप्रोपियट टू एडवर इट इन अप्रोपियट टू एक्सप्रेस ओपिनियन द समरी ट्विस्ट है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना एग्जाम में टेस्ट कर सकता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको तो बस इतना सा चेक करना है कि भाई जो आपके ओरिजिनल एफएस है उस ओरिजिन क्वालिफाइड ओपिनियन है एडवर्स ओपिनियन ओपिनियन है या फिर डिस्क्लेमर हो उसके बेसिस पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा ठीक है तो फाइनली अपनी आठ सौ की सीरीज पूरी खत्म हो गई है अपन कल मिलते हैं ठीक है वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा तो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी क्या कर सके इस क्रैश कोर्स का फायदा उठा के एग्जाम में एक्सेल कर सके ऑल राइट गाइस बाय बाय